हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आज जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स की मैं बताने वाला हूँ, वो एक डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज है और ओपनिंग्स है। एंड टोटल यहाँ पे 111 अलग अलग डिपार्टमेंट में पोजिशंस है, वैकेंसीज है। सो वॉच दिस फुल वीडियो एंड अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी जॉब वैकेंसीज के बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उमेनोआ डेयरी, सो एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रो फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये इनका प्लांट जो हैदराबाद के नज़दीक शुरू होने वाला है, वहाँ की ये सब वैकेंसीज है। तो इसीलिए ये जो टोटल वैकेंसीज 111 है, दैट इज द रीज़न। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यू कैन अप्लाई और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। एंड द कॉन्टैक्ट नंबर इज 7337555494। So you can contact only this number also, and the name of this company is Umenoa Dairies, and this is the leading dairy products manufacturing company. तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजिशंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो पहली पोस्ट यहाँ पे है, डिपार्टमेंट है शिफ्ट एग्जीक्यूटिव्स मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, दो वैकेंसीज यहाँ पे है। और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होना, और जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए डिग्री इन डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी। सो डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स एज वेल एज फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद है शिफ्ट एग्जीक्यूटिव मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, एक पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में, और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो सेम एक्सपीरियंस है पहले पोस्ट के जैसा, 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, और SAP ट्रेंड पर्सन्स, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो है अगेन शिफ्ट एग्जीक्यूटिव्स मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, एक पोस्ट है यहाँ पे, एक्सपीरियंस जो चाहिए वो है 3 to 5 years का एक्सपीरियंस, और जो डिग्री चाहिए वो है डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी एंड HSC ट्रेंड। उसके बाद जो वैकेंसीज है ऑपरेटर्स मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में, ये ऑपरेटर्स चाहिए उसी कंपनी में, तीन वैकेंसीज है, तीन पोस्ट यहाँ पे है, और जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए 2 to 3 years का एक्सपीरियंस। जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए डिप्लोमा और ITI इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और डेयरी डिप्लोमा। सो डेयरी डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी इस पोजिशन के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेटर्स, दैट इज कर्ड प्रोसेसिंग यूनिट में, तीन पोस्ट हैं, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो है 2 to 3 years का एक्सपीरियंस, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा ITI इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और डेयरी डिप्लोमा। तो डेयरी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेटर्स CIP, अगेन थ्री पोस्ट है यहाँ पे, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो है 2 to 3 years का एक्सपीरियंस, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्लोमा और ITI मैकेनिकल। उसके बाद है असिस्टेंट ऑपरेटर्स मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में, तीन पोस्ट है, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 to 3 years का एक्सपीरियंस, एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है डिप्लोमा और ITI इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डेयरी डिप्लोमा। उसके बाद है ऑपरेटर घी प्रोसेसिंग यूनिट में या प्रोडक्शन यूनिट में, एक पोस्ट वहाँ पे, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 to 3 years का एक्सपीरियंस होना, और जो क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा ITI, उसके बाद डेयरी डिप्लोमा और डिग्री। देन ऑपरेटर अगेन टू पोस्ट है पनीर प्रोडक्शन में, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 to 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए पनीर प्रोडक्शन में, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा ITI और डेयरी डिप्लोमा और डिग्री। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन यूनिट में, एक पोस्ट है 1 to 2 years का एक्सपीरियंस, और जो ये अकाउंट सेक्शंस का पोजीशंस है, और जो
इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बीकॉम और सैप ट्रेंड। उसके बाद मैनेजर की एक पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, एक पोस्ट है। देन एक्सपीरियंस जो चाहिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस या फिर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस चलेगा क्वालिटी एश्योरेंस का। एंड जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन माइक्रोबायोलॉजी और डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद लैब एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्ट है, 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है डिग्री इन केमिस्ट्री और इन साइंस स्ट्रीम विथ अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। उसके बाद लैब एग्जीक्यूटिव अगेन माइक्रो डिपार्टमेंट में, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है, और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो डिग्री इन केमिस्ट्री और साइंस विथ एक्सपीरियंस। देन लैब असिस्टेंट कर्ड डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट है, एक्सपीरियंस जो चाहिए 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिग्री इन केमिस्ट्री और साइंस विथ अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। देन पैकिंग इंचार्ज 1 पोस्ट है, एक्सपीरियंस 3 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस होना पैकिंग का, एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए ITI और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। देन ऑपरेटर्स की पोजिशन है मिल्क एंड कर्ड पैकेजिंग में 4 पोजिशन है, 4 पोस्ट है, एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर्स, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ITI और डिप्लोमा। उसके बाद इंचार्ज FGS एंड डिस्पैच लॉजिस्टिक में 1 पोस्ट है, 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना, और एनी डिग्री कैन बी कंसिडर्ड। देन एग्जीक्यूटिव FG 1 पोस्ट, 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एनी डिग्री। देन डिस्पैचर 2 पोजिशंस है, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनी डिग्री कैंडिडेट कैन बी अप्लाइड हियर। देन मैनेजर HR 1 पोस्ट, 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस। देन MBA इन HR और MSW, दिस इज द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस मैनेजर पोस्ट। देन एग्जीक्यूटिव HR 1 पोस्ट, 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना, एंड जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज। देन मैनेजर हॉस्पिटैलिटी 1 पोस्ट है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। देन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है हॉस्पिटैलिटी की 2 पोजिशन है, 2 पोस्ट है, एक्सपीरियंस 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। उसके बाद मैनेजर मेंटेनेंस के लिए 1 पोस्ट है, देन एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज़्यादा, एंड जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री। देन ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल ये डिपार्टमेंट में भी 3 पोस्ट है, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो है 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एंड जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है ITI और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन ऑपरेटर इन दैट इज बॉयलर 4 पोजिशंस है, 4 पोस्ट है, 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ITI और डिप्लोमा। देन ऑपरेटर FTP 4 पोजिशंस, 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है ITI और डिप्लोमा। उसके बाद है मैनेजर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है, 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर ऑफ कॉमर्स और CA। देन असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस 1 पोस्ट, 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कैंडिडेट MCOM होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 2 पोस्ट, एक्सपीरियंस चाहिए 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एंड दैट कैंडिडेट शुड बी BCOM। देन मैनेजर स्टोर एंड परचेस की 1 पोस्ट है, 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज एनी डिग्री। उसके बाद एग्जीक्यूटिव स्टोर एंड परचेस 2 पोस्ट, 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनी डिग्री। देन सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट में 5 पोस्ट है, 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड दैट इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एनी डिग्री। देन एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रोक्योरमेंट 5 पोजिशंस है, 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज एनी डिग्री। देन लैब असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है ग्रेजुएट इन डिग्री केमिस्ट्री, दैट इज डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन साइंस विथ एक्सपीरियंस। देन नेशनल सेल्स मैनेजर की 1 पोस्ट है,
और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा, एंड जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए ग्रेजुएटिंग फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल्स, फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ISB, और इट शुड बी MBA। देन एरिया सेल्स मैनेजर की 10 पोस्ट है। देन जो एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए 5 ईयर्स और मोर एक्सपीरियंस, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग। देन सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है 20 डिफरेंट पोस्ट, 3 और मोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजिशन, एंड क्वालिफिकेशन MBA इन मार्केटिंग और एनी डिग्री। देन सब एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट अकाउंट्स 1 पोस्ट है, और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 5 ईयर्स और मोर एक्सपीरियंस, एंड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट डिग्री विथ सब क्वालिफिकेशंस। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, सो यू कैन सेंड योर रिज्यूम और यू कैन फॉरवर्ड योर CVs टू HR@womenova.org, और यू कैन सेंड योर रिज्यूम ऑन info@womenovadairy.com। तो ये 2 मेल पे आप आपका रिज्यूम वहाँ पे सेंड कर सकते हो, और पहले जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन, सो यू कैन अप्लाई। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज रिगार्डिंग जॉब ओपनिंग्स इन डिफरेंट एरियाज। थैंक यू।